हम आमंत्रित करे जातनी सुनील हापुड़िया जी के, जे की व्यंग विधा के एगो सशक्त हस्ताक्षर बानी, यहाँ के अमेरिका जापान तक गई बानी कविता सुनाते। आ कविता के अलावा यहाँ के योगा के भी ट्रेनर बानी, योगा के एक्सपर्ट बानी। तब अब देखी कि एगो योगा के एक्सपर्ट कविता के साधे ला तो कैसे कैसे साधे ला। ये देखी यहाँ के घर में रात के 2 बजे भी योगा चले। असल में यहाँ के एगो पड़ोसी परिचित बने, हमरा के बतैले कि रात के 12 बजे के बाद 12 बजे 1 बजे 2 बजे सुधा जी यहाँ के घर से हंसे के आवाज़ आ गई। हम पड़ोसी से पूछनी, कुछ ना बतैला। तब सीधे सुनील भाई से पूछ देनी कि एगो बात पूछी, बुरा तो ना माने। इनसे कहा कि एक बात पूछी, बुरा तो नहीं मानेंगे। बोले नहीं, पूछे क्या बात है। हम बोले आप लोग 2 बजे रात को क्यों हंसते हैं घर में। बोले देखिए भाऊ जी, आपको बता रहे हैं, अब क्या बताएं। कभी सम्मेलनों में जाना होता है तो देर रात लौट कर आता हूँ, 1 बज जाता है 2 बज जाता है। लेट नाइट आता हूँ तो खाना ठंडा रहता है और बीवी गर्म रहती है। खाना ठंडा रहता है और बीवी गर्म रहती है, और गर्म रहती हैं तो जाते जाते बेलन से स्वागत करती हैं। हम लोग फिर हंसते क्यों हैं। तो जो बेलन वो चलाती हैं, अगर बेलन निशाना उनका लग जाता है, बेलन लग जाता है तो वो हंसती हैं, और नहीं लगता है तो मैं हंसता हूँ। भाई सुनील हापुड़िया जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ और आपको आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। भाई सुनील हापुड़िया, तो छोटी सी कविता का। नर्सरी स्कूल में खेल वगैरह होते हैं, कल्पना की है खिलौनों के लिए कि एक बार एक कॉन्वेंट स्कूल ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया। एक बार एक कॉन्वेंट स्कूल ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एक खिलौनों की लूट का आयोजन कराया, जिसमें एक भ्रष्ट नेताजी का पुत्र अंतिम नंबर पर आया। घर पहुंचते ही पुत्र की हार पर नेताजी ने अपनी पत्नी को बहुत धमकाया, पुत्र को नहीं अपनी पत्नी को बहुत धमकाया, और कहा तुमने हमेशा ही इस लड़के को मेरा पुत्र बताया है, मगर मुझे तो संदेह है क्योंकि मेरा एक भी गुण इसमें नहीं आया है। फिर अपने पुत्र से संबोधित होते हुए बोले, अपने मोटे और काले होठ कुछ इस तरह खोले, अरे बेवकूफ, तू बड़ा होकर भी इसी तरह से हमारा नाम रोशन करेगा। एक छोटा सा खिलौना नहीं लूट सका तो देश को लूट लूट कर स्विस बैंकों को कैसे। अरे बेवकूफ, तू बड़ा होकर भी इसी तरह से हमारा नाम रोशन करेगा, एक छोटा सा खिलौना नहीं लूट सका तो देश को लूट लूट कर स्विस बैंकों को कैसे भरेगा। बुद्धिजीवी पुत्र अपने पिताजी से बोला, हे नेताश्री, पिताजी नहीं, हे नेताश्री, हम आपके पुत्र हैं, आपके ही पद चिन्हों पर चलेंगे, कुछ बने या न बने लेकिन मंत्री तो अवश्य बने। और यदि मंत्री बनकर भी स्वयं ही लूटपाट मचाएंगे तो देश के ये ढेर सारे पुलिस वाले किस काम आएंगे। हम तो आधुनिक तकनीक अपनाएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे, उन्हीं से लूट कराएंगे, उन्हीं से जांच कराएंगे। उन्हीं से लूट भी कराएंगे और उन्हीं से जांच कराएंगे। देखिए कविता कहाँ पहुंच गई। ब्याह बेटा अब बाप के संवाद चुननी, नेता अपना बेटा से कौना ढंग के संवाद करता है कि तुम्हें खिलौना नहीं लूट सके तो देश को कैसे लूटोगे। असल में सियासत ऐसा बा, एगो बड़ शायर के शेर सुनील जी याद आवता कि गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती। क्या बात है, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। क्या बात, तो ये सोच है। और अभी कमलेश भैया जो नालम बा, हमने के यहाँ सिवान में एगो शायर बने तंग इनायतपुरी, तंग जी के एगो शेर बा कि अब खौफ नहीं कोई हमको खामोश बिल्कुल रहती है, चाहे जितना हम जुल्म करें
इस देश की जनता सहती है। क्या बात, चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ, तो है हैरत कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। मैं हूँ आलू, तू है टम टम, मैं मिसाइल, तू है टम बम, मैं हूँ ढोलक, तू है डम डम, मैं हूँ पायल, तू है छम छम। आवाज में तेरी, आवाज में तेरी, तू मेरा साज है पिया, तरकारी में तेरी, तू मेरा प्याज है पिया।